हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आपका भी जैज़ कैश का अकाउंट रिमूव हो चुका है, जैसे कि आप स्क्रीनशॉट भी देख रहे थे, अगर आपको भी इस तरह का मैसेज देखने को मिल रहा है, अगर आपको नहीं भी मिल रहा, इस तरह का देखने को नहीं मिल रहा, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आपके साथ भी फ्यूचर में आ सकती है कि जो आपका अकाउंट है वो आपके नंबर से रिमूव कर दिया जाता है जब आप लॉग इन करते हैं अप्लीकेशन में। तो इस मसले को कैसे सॉल्व करेंगे और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका अकाउंट क्यों रिमूव किया जाता है, क्योंकि आप में से दोस्तों को ये प्रॉब्लम कभी पेश ना आए। ठीक है दोस्तों, अगर आपका नंबर है और आपके नंबर चाहे आपको दोस्तों, मेन चीज़ जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेन चीज़ जो होती है वो शनाख्ती कार्ड होता है। ठीक है, जिसका नाम पे शनाख्ती कार्ड, ठीक है, जिसके नाम पे वो नंबर है जिसके ऊपर आपने अकाउंट बना रखा है, उसी के पास पावर है। ठीक है, जिसका शनाख्ती कार्ड है दोस्तों, आपका अगर अकाउंट वहाँ से बंद किया जाता है या आपके अकाउंट को रिमूव किया जाता है, दोस्तों जब आप अपना नंबर से लॉग इन करेंगे तो उस वक्त आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको जो नंबर है वो रिमूव किया जाए, रिमूव कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने अकाउंट अपने ही नंबर पर बनाना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जिसके नाम में अकाउंट है, अगर वो चाहे तो आपके अकाउंट को रिमूव कर सकता है। जब वो रिमूव करेगा और आप इधर लॉग इन करेंगे तो आपके पास वो लॉग इन नहीं होगा। ठीक है, तो ये गलती आपने कभी नहीं करनी। ठीक है, आपने किसी और के शनाख्ती कार्ड के ऊपर अपना नंबर को रजिस्टर करके उसके ऊपर जायज़ कैश का अकाउंट कभी नहीं बनाना। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम नहीं पड़ेगा और वो आपका अकाउंट बंद कर देगा, तो फिर आपका जो अकाउंट है वो आपके नंबर से रिमूव कर दिया जाएगा जो जायज़ कैश होगा। तो इस वजह से ये मसला आता है। अब बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन कैसे, अगर आपका अकाउंट रिमूव हो जाता है तो फिर आप रिकवर कैसे करेंगे। उसके लिए दोस्तों जो प्रोसेस होता है वो ये होता है कि जिसके नाम पे वो नंबर है, ठीक है, उसके पास आपने जाना पड़ता है, फिर वहाँ से आपने उसका से जो शनाख्ती कार्ड है वो लेना है और वो लेकर आपने हेल्पलाइन पे कॉल करनी है। हेल्पलाइन पे कॉल करने के बाद वो आपसे नाम पूछेंगे, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे, आपके इशुंस डेट पूछेंगे। उसके बाद आप कहेंगे कि मुझसे मिस्टेक, गलती से ये अकाउंट रिमूव मैंने करवा दिया है, तो आप इसको दोबारा बहाल कर दें, तो आपका जो अकाउंट है वो दोबारा बहाल कर देंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी क्या प्रोसेस है। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की टेक्निकल वीडियो मिलती रहे।